नमस्कार, दस्तक दिल की बात कलम से कार्यक्रम में मैं उर्मिल सखी आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साहित्य की दीवार पर अपने हस्ताक्षर करने वाले शख्सियत आज हमारे बीच हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन मैं उनके बारे में यही कहूँगी कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। जी हाँ, ऐसी ही शख्सियत आज हमारे बीच हैं। आज स्टूडियो में स्वागत करते हैं अशोक नादिर जी का। अशोक नादिर जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है दिल की बात कलम से। बहुत बहुत मेहरबानी, आपने समय दिया, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। जी जी, हमें हार्दिक खुशी है कि आज आप हमारे बीच हैं। और जैसे कि आपका नाम है अशोक नादिर, तो सबसे पहले ये बताइए कि अशोक नादिर, ये नादिर जो उपनाम है ये कहाँ से आया, किसने दिया आपको? अंदाजन जब भी कहीं पर भी कोई भी प्रोग्राम होता है जी, मुझे मालूम था आप ये पूछेंगे, बिकॉज हर जगह मेरे से ये पूछा जाता है पहले, क्यों अजीब सा लफ्ज है ये जी, बट इट्स ए लवली वर्ड, बहुत प्यारा लफ्ज है ये। मेरे गुरु हैं श्री श्री राम अर्श जी, जी। उनका अपना मुकाम है लिटरेचर में, पंजाबी के तो हस्ताक्षर हैं वो, पंजाबी गज़ल के, तो उनसे मैंने सीखा। मैंने शुरू किया सीखना 1976 में जी, मगर अंदाजन 2008 तक नादिर लफ्ज़ नहीं था मेरे साथ जी। तो सबसे पहले ये बताइए कि नादिर का मतलब क्या होता है? नादिर का मतलब है हटके और सुंदर। क्या बात है, हटके और सुंदर, यानी अनोखा। अनोखा, यस जी। तो एक दिन मैंने गजल लिखी तो उनको बहुत अच्छी लगी जी, कहते अशोक जी आपने अभी तक तखल्लुस रखा नहीं, अपना उपनाम नहीं रखा जी। मैं क्या आपने दिए ही नहीं? अच्छा, क्या मेरे जुबान से ये निकला कि आपने दिए नहीं, आप जो देंगे मैं तो वही रखूंगा। और गुरु शिष्य परंपरा में तो उपनाम मिलता ही है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो कहते रख दो, मैं रख दीजिए, कहते नादिर रख दिया। अच्छा, तो उसका मीनिंग भी मैंने उनसे पूछा जी। ये तो था कि एक शहनशाह था जिसका नाम नादिर था, तो उसने कुछ सोच समझ के रखा होगा, अच्छा नाम होगा तो रखा होगा जी। बट इवन देन आई वांटेड टू आस्क कि हम भी एग्जैक्ट इसका क्या मीनिंग क्या है, तो उन्होंने फिर मुझे समझाया अच्छी तरह से, और हम सामने डिक्शनरी पढ़ी थी, वो कहते ये देखिए ये मीनिंग है इसका। क्या बात है। तो आपने पहली बार कब लिखा, क्या सोचकर लिखा, यानी आपके भीतर का जो साहित्यकार है, वो जो नादिर है, जो अनोखा इंसान है, उसने करवट कब ली कि कुछ कागज पर दिल की बात लिखने की भावना कब आई? हाँ, 1971 में जी, जी लड़ाई में जी बांग्लादेश में मेरे एक बहुत प्यारे मित्र थे, हम इकट्ठे पढ़े थे, पांचवी क्लास से हम इकट्ठे पढ़े थे जी, लेफ्टिनेंट खुराना जी, तो वो बांग्लादेश में शहीद हो गए थे जी। तो जब उनकी खबर आई तो सब कुछ हिल गया जी, और वैसे ही बैठे बैठे कागज पे कुछ लिखा और वो नजम बन गई जी। वो मेरी जी पहली किताब है, ये पहला सफर जी, इसके अंदर पहली नजम वही है जी, ये मेरी जिंदगी की सबसे पहली नजम थी ये जी, ये सबसे पहली है, तो हिंद पाक दोस्त। क्या बात है, नजम है। हाँ, तो थोड़ा सा दो पंक्तियां सुना दीजिए। मन में था ये कि भाई ये क्यों लड़ रहे हो यार, आराम से बैठो, जिंदगी जियो, आप भी ठीक है, हम भी जिए जी। कितना अजब है कि तू वहां और मैं यहाँ पे हूँ। क्या बात है, मैं हूँ हिंद में और पाकिस्तान में है यारा तू। जफा को तू भूले, वफा से मैं फिरूंगा नहीं। क्या बात है, पिरो के माला में वफा, तेरी जफा के कांटे चुनो। क्या बात है, ना करूंगा शिकायत, मलाल होगा तुझे, बस ये बातें यहीं तक, तेरे तो नाल रखता हूँ। क्या बात है सर, बहुत रंग हो बाग का और बोली परिंदों किसी हो, ना हो हिंदू ना मुसलमान, हम सब बस पंजाबी हो। ना हो हिंदू ना मुसलमान, हम सब बस पंजाबी हो। हाँ। तो ये नज़्म जो है जी, मैंने लिखी थी जी, और यही फीलिंग थी यार क्यों आप लड़ी जा रहे हैं, साढ़े भी बंदे मर रहे हैं, थोड़े बंदे मर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बस ये सोच मन में आई और ये लिखा जी। और बाई चांस जो है जब पढ़ी बाद में तो मुझे लगा कि ये तो नज़्म बन गई जी, ठीक है।
जी, तो बस मन किया कि हाँ भाई कुछ ना कुछ लिखना। क्या बात है जी जी, तो उससे शुरू आपके अब तक 26 पुस्तकें जो हैं प्रकाशित हो चुकी हैं, बहुत सी किताबें हमारे सामने भी रखी हैं। तो नज्म तो अगर हम आपको सुनाने को कहेंगे तो इतना कुछ है सुनने के लिए, लेकिन आपका व्यक्तिगत पक्ष पीछे रह जाएगा, तो इसलिए हमें बातचीत का सिलसिला तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ये बताइए कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि मैं कुछ लिखूँ, आपकी प्रेरणा कौन है? देखिए, जो 1976 तक तो मैंने ना हुस्न की तरफ देखा ना मोहब्बत की तरफ देखा, सच्चाई है ये। मोहब्बत था वतन से, समस्या नई नई आके हटी थी जी। 62 में जिस टाइम चाइना वार हुई थी उस टाइम भी मैं कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था मैं चंडीगढ़ में, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो उस टाइम जो बंक रूम में गए, ये वहाँ जो कुछ भी हुआ तो वो भी हमने देखा, वो दौर भी गुजरा, तो मन में एक वही ख्याल था सिर्फ, और कोई ख्याल नहीं था, कोई मोहब्बत का दिमाग में ख्याल नहीं था, सुंदरता का नहीं था। इसलिए मेरी जो सबसे पहली हैं वो सारी उसी टॉपिक पे हैं। तो उसके बाद एक बार हम गए राजस्थान। अच्छा, तो कुछ तो हुआ है, कुछ तो बात है, बताइए बताइए। बात मजाक की लोगे, मजाक में लोगे, नहीं मजाक नहीं सर, जिंदगी मजाक नहीं होता। हाँ, ये सच्चाई है जो कुछ बोल रहा हूँ मैं, फैक्ट ऑफ लाइफ है। तो वहाँ पे एक मुझे पोस्टर मिला जहाँ पर जयपुर की 12 रानियों की फोटोग्राफ थी एक ही पोस्टर के अंदर। क्या बात है, तो मुझे वो इतनी सुंदर लगी, मैंने उससे पहले इतनी सुंदर लड़की या औरत देखी नहीं थी। अच्छा, वो जो महारानियाँ थी। हाँ, उनका पोस्टर मिला आपको? उनका पोस्टर मिला मुझे। और फिर मैंने आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट और करके मैंने एक एक पोस्टर अलग तलाश किए कि मुझे इन रानियों के अलग अलग पोस्टर मिल जाएं। अच्छा, आई कुड गेट देम। उस दिन से मुझे इश्क और सुंदरता पर लिखने की जो है इच्छा जागी। क्या कहीं पे वो, मैं जब आदमी कोई सुंदर चीज देखता है ना, कोई भी आप अच्छी चीज, नायाब चीज देखता है, हर शख्स के अंदर है, ये मेरे में हर शख्स के अंदर है कि पहले उसको पोजेस करने की इच्छा जागती है अंदर जी। वही जब करवट लेती है तो अल्फाज जो है अपने ख्याल से, दिमाग से, तखय्युल से फिर वो कागज पे आते हैं। और कोई ढंग नहीं है उनको कागज पे लाने का। तो उसके बाद फिर जो है मेरी जो अंदाजन ज्यादा नहीं तो 15-16 किताबें में सुंदरता और इश्क और मोहब्बत के सिवाय कुछ नहीं है जी, बिल्कुल ठीक है जी। ये लास्ट 5-6 किताबें हैं जब मेरा मन जो है, ख्याल मेरे जो है अपने मुल्क के अंदर जो बुराइयां देखी उनकी तरफ गए, तब मैंने उनके ऊपर लिखना शुरू किया जी। बहुत खूब, तो पहले वैसे ही उसी पे थी पहले तो। तो ये बताइए कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और आपकी रोजी रोटी क्या है? कहते हैं कि जहाँ सरस्वती होती है तो वहाँ लक्ष्मी का वास कम ही होता है, एक साथ कम रहते हैं दोनों, तो आप अपने बारे में बताएं कि आपने शिक्षा कहाँ से की और किस तरह से आपने, क्योंकि खाली साहित्य से तो पेट नहीं भरता, घर चलाने के लिए कुछ न कुछ रोजगार तो करना पड़ता है, जरा उसके बारे में दृष्टि डालिए। ये आपने बिल्कुल जायज बात कही कि हाँ सरस्वती और लक्ष्मी हैं तो दोनों बहनें, मगर दोनों कम ही इकट्ठी रहती हैं जी। सिर्फ उन केसेस में जिसमें जहाँ पर पहले लक्ष्मी की तरफ ही तवज्जो रही, सरस्वती की तवज्जो की तरफ तवज्जो नहीं थी जी। उन लोगों ने जो है लक्ष्मी को पाया पहले जी, और फिर शौक के तौर पर सरस्वती के पीछे वो लगे, तो वहाँ पर ये समस्या नहीं है। मैं इंजीनियरिंग करने के बाद एस्कॉर्ट्स में भी सर्विस की, फरीदाबाद और सर्विस की, करने के बाद फिर मैंने अपनी फैक्ट्री लगा ली जी। 1974 में जी मैंने मोहाली में अपनी फैक्ट्री लगा ली जी। तो वी आर मेकिंग कार पार्ट्स, ट्रैक्टर पार्ट्स एंड डोर क्लोजर्स। क्या बात है, हाँ, 2-3-4 यूनिट्स हैं तो वहाँ पे सब कुछ बनाते हैं, बेटा मेरे साथ है। नादिर साहब, आपकी 26 पुस्तकें आ चुकी हैं और हमने ये भी देखा कि आपकी जो पसंदीदा विधा है वो गज़ल है, और आपकी एक पुस्तक ऐसी भी है जिसमें एक ही मौजू पे, एक ही विषय के ऊपर पूरी की पूरी किताब आपने लिखी हुई है, तो ज़रा उसके बारे में ज़रूर बताएं। ऐसे है मैम कि
एक किताब है शहीदों को श्रद्धा सुमन जी, ये किताब है वो जी। ये जिस टाइम पुलवामा का वहाँ अटैक हुआ, 40 जी शहीद हुए अपने फौजी जी, उस समय मन पे जो है बहुत गहरा आघात पहुँचा और जी। अपने आप नज़में बनती गई, इसमें पूरी की पूरी नज़में हैं जी। एक ही किताब है मेरी, एक और दो किताबें जी, दो किताबें हैं जो हाँ। मेरी नज़मों पे हैं और सारी गज़लों पे हैं जी। तो इसमें सभी की सभी जो हैं वो देश प्रेम की गज़लें हैं, नज़में हैं जी, और साथ में ये श्रद्धांजलि के तौर पे हैं, ये शहीद जो हुए हैं अपने बच्चे अपने भाई उनके लिए ये श्रद्धांजलि है जी। बहुत खूब हाँ। बहुत खूब। शहीदों के ऊपर तो लिखने वाले बहुत कम हैं, क्योंकि मोहब्बत पे सभी लिख लेते हैं, सभी मौजुओं पे लिख लेते हैं, लेकिन देशभक्ति के रंग में बिरला ही साहित्यकार बचा है आज के समय में। आप बहुत खूब लिखते हैं, इसमें से कुछ थोड़ा सा एक एक गज़ल नज़्म दो पंक्तियां सुनाना चाहें, क्योंकि पूरी की पूरी किताबें आपके पास हाँ, नहीं अगर पूरी की करने लगे तो जो है बहुत, कोई भी इसमें से एक छोटी सी नज़्म सुना दीजिए। खुदा मेरे जरा इतनी सी बस तू इल्तिजा सुन ले, खुदा मेरे जरा इतनी सी बस तू इल्तिजा सुन ले, जो दी है जिंदगी तुमने वतन के काम आ जाए। क्या बात है। नहीं हसरत की कोई चांद जैसी हूर मैं पाऊं, तमन्ना भी नहीं एक गुलबदन सा नूर मैं पाऊं, जो मर जाऊं तो अपने ही वतन की खाक मैं पाऊं, मर जाऊं तो अपने ही वतन की खाक मैं पाऊं, तिरंगे का कफन पाऊं ना इससे दूर हो पाऊं। क्या बात। तिरंगे का कफन पाऊं ना इससे दूर हो पाऊं, खुदा मेरे करूं बस फिर वही एक इल्तिजा सुन ले, जो दो फिर जिंदगी अपने वतन के काम आ जाए। शिवाले में न जा निकले शहादत पाऊं सरहद पर। क्या बात है। शिवाले में न जा निकले शहादत पाऊं सरहद पर, शहीदों की कतारों में मेरा भी नाम आ जाए। क्या बात। शहीदों की कतारों में मेरा भी नाम आ जाए जी। आपका नाम आ चुका है, आपने शहीदों को जो श्रद्धांजलि दी है वो इतनी खूबसूरती से दी है कि बहुत ही मुकम्मल किताब बन पड़ी है। और एक किताब और है जो पूरी की पूरी किताब पर्यावरण संरक्षण के ऊपर है, हाँ, उसके बारे में बताइए। हाँ, क्या सोच के आपने वो किताब लिखी, क्या ध्येय है आपका, कि उसमें किस तरह आप उस किताब को लेकर चले हैं? ऐसे हुआ मैम कि सीचेवाल साहब, शायद आपने नाम सुना होगा, सीचेवाल साहब मिले मुझे एक बार पठानकोट मार्केट में थे हम, मैंने बाई चांस पहचाना उनको और पहचान के उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश की। उनके साथ सिक्योरिटी के इतने थे, बहुत मुश्किल से मैं गुफ्तगू कर पाया। जब मौका मिला तो देन समझने की कोशिश की मैंने इस टॉपिक के बारे में, तो जो कुछ उन्होंने बताया वो ऐसा था कि दिल हिल गया उससे। उन्होंने जो कुछ किया, मतलब एक टाइम था फॉर मंथ्स टुगेदर, वो फौड़ा लेके बिचों गाद कर दे सी नालियां जो आप अंदर बढ़ के, दैट वाज द स्टेज। तभी उनको बहुत 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 इज्जत से नवाजा, अपनी सरकार ने भी बहुत नवाजा। तो आप उनसे उनसे प्रेरित हुए? हाँ, मैं उनसे प्रेरित हूँ जी। तो इस किताब के बारे में आप क्या बताते हैं, क्या है इसमें जो? इसमें तीन चैप्टर हैं इसके जी। एक तो जो हालात हैं, इंडस्ट्री ने जो गंद डाला है, जो नदियों की हालत हुई है, जो हवा की हालत हुई है, प्रदूषित हो गया सब कुछ, बिल्कुल बिल्कुल उसको एक्सप्लेन किया है जी, कि इनसे बचें हम किसी तरीके से, गवर्नमेंट रेगुलेशंस बनाए, ठीक है, और कैसे हम उनसे जो है वापसी ला सकें। जो नदियां गंदी हो चुकी हैं, जो नाले गंदे हो चुके हैं, उनको वापस ला सकें, नंबर एक। नंबर दो, जो हवा में प्रदूषण इतना आ चुका है उसको कैसे हम कम कर सकें, उसके बारे में पहले तो मैंने एक चैप्टर है जो अंदाजन 100 पेज का है जी, ठीक है। और उस इसके भी, क्योंकि मेरी लिखने की विधा जो है पोएट्री है जी, पोएम है, तो इसके हर एक पेज पे मेरा एक शेर है जी जी, इसी विचार के ऊपर जी जी, हर एक पेज पे
करोगे जल मलिन तो प्यास को कैसे बुझाओगे, करोगे जल मलिन तो कैसे प्यास को बुझाओगे। क्या बात है, हवा दूषित करोगे श्वास फिर तुम ले ना पाओगे। श्वास तुम ले ना पाओगे, क्या खूब है। बिल्कुल सच्ची बात है कि अगर हम ही अपने माहौल को, अपने प्रकृति को प्रदूषित करेंगे तो किस तरह से हम जल लेंगे, किस तरह से सांस लेंगे, कैसे हवा लेंगे। सही मौजू पर है आपकी किताब। और इसमें शायद मैंने देखा था कि इसमें कुछ ऐसे हर्बल प्लांट्स भी हैं जिनको लगाने से हमारे घर का, आसपास का वातावरण प्रदूषित होने से बचता है। बिल्कुल, तो उन पौधों का भी आपने इसमें, उनकी फोटो भी है, उनकी डिटेल भी है कि कौन सा पौधा लगाएं जो हमारे आसपास हमारी प्रकृति को जो है प्रदूषित होने से बचाए। ये भी आपने जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें वर्णित किया है। अलग चैप्टर है 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पौधे, इंडोर प्लांट्स हैं, अपने कमरे के अंदर रखिए। जी जी, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 10 प्लांट्स ऐसे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। जी जी, बहुत तो इसी आइडिया को लेके पूरी किताब लिखी गई है। एक आपको शेर मुझे बहुत पसंद है, ये मैं हर जगह बोलता हूँ जब भी कोई मैं अपने शहर में जाता हूँ। सुना है बदनसीबी छा गई है अब तो धरती पर, सुना है बदनसीबी छा गई है अब तो धरती पर, ये सबकी माँ है फिर ये बददुआ किसकी लगी होगी। हाय हाय हाय, फिर ये बददुआ, क्या बात है, क्या शायरी की है। तो इसमें ऐसे ही सभी, हर 134 पेज की किताब है, हर पेज पे एक शेर है मेरा जी, जो दिल को टच करे और एहसास हो आदमी को मैं क्या कर रहा हूँ, उससे बाहर निकले हम इस समस्या से। तो ये तो हो गया इस किताब का जिक्र जो कि पर्यावरण के ऊपर आधारित है, और किताब का नाम है जीवन रेखा। क्या बात है, जीवन रेखा। और चलो, ये तो किताबें हैं, किताबों पे तो बहुत बातें होंगी, बहुत गजलें हैं आपके पास, पूरा भंडार है आपके पास। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि डेरा बस्ती में आपने एक जो है कलाधाम बनाया है, तो कलाधाम के बारे में जरा बताइए, उस पर नजर डालिए, क्या है कलाधाम। कलाधाम ऐसे है जी, ये जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ ये त्रिखा साहब की देन थी। त्रिखा साहब ने मेरे दिमाग में डाली बात ये कि ये हमारी जरूरत है जी। त्रिखा जी, चंद्र त्रिखा जी, चंद्र त्रिखा जी, जी पंचकुला से जी। हाँ, पंचकुला से। तो एक मीटिंग में उन्होंने ये मेरे मन में डाला कि ये चीज जो है जरूरत है। दो ख्याल उन्होंने मुझे दिए, एक तो कि जो भी हम किताब लिख दी आदमी ने, लिखने के बाद जब प्रिंटिंग स्टेज आती है तो बहुत मुश्किल होती है, उसकी करेक्शंस लगानी, उसका काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है वो जी। तो वो घर के अंदर बच्चे होते हैं और आजकल घर एक ही दो दो कमरे के हैं जी। और जो राइटर्स हैं वो ज़्यादा, उनके पास पैसा नहीं होता कि बहुत बड़े घर ले लें या उनके पास जगह हो बैठ के काम करने के लिए। ये शायद कोई ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहाँ पर वो बैठ के काम कर सकें, शांति हो जहाँ पर जी। तो वो उन्होंने ख्याल दिया, फिर 2 किले 2 एकड़ मेरे पास जमीन पड़ी थी डेरा बसी के पास जी। तो मेरे दिमाग में आया कि आइडिया बहुत ग्रेट है, और मैं अगर जब जाऊंगा, और बहुत ज़्यादा दिन तो हैं नहीं अब जितने भी हैं, तो बहुत जाने के बाद कुछ ऐसी चीज़ दे जाऊं मैं जो कि कला फ्रेटर्निटी, कला कम्युनिटी के काम आए जी। कला चाहे वो प्रिंट पेंटिंग हो, चाहे वो कारपेंट्री हो, चाहे वो राइटिंग हो, किसी भी तरह की किसी भी विधा हो, चाहे वो संत राश हो, किसी भी विधा के जो हैं जो कलाकार हैं वो आके वहाँ पे रहें। मैंने वहाँ पे 10 बेड्स का इंतजाम किया है, 10 लोग वहाँ रह सकते हैं आकर, खाने पीना फ्री मिलेगा वहाँ पे, हफ्ते तक रहिए, अपनी क्रिएशन कीजिए और अपने घर चले जाइए। मैम बोसे का नाम सुन के वो ऐसे निखर गए, बोसे का नाम सुन के वो ऐसे निखर गए, रंगे हया जो निखरा तो जैसे संवर गए। बोसे मतलब चुंबन से, चुंबन से, क्या बात है, फिर से मुकर्रर। बोसे का नाम सुन के वो ऐसे निखर गए, रंगे हया जो निखरा तो जैसे संवर गए, क्या बात है। आहट उधर हुई जो तो कुछ आस हो गई, आहट उधर हुई जो तो कुछ आस हो गई, तन मन नैन भी नाचे जो उस राह गुजर गए, तन मन नैन भी नाचे जो उस राह गुजर गए, लुत्फे बहार शायद न अपना नसीब था, लुत्फे बहार शायद न अपना नसीब था, पलकों में ख्वाब लेकर जो अपनी डगर गए,
क्या बात है। पलकों में ख्वाब देकर जो अपनी डगर गए, बज्म में सुखन में दिल को जो रखा था खोल कर, बज्म में सुखन में दिल को जो रखा था खोल कर, उठती जवानियों के तो चेहरे निखर गए। क्या बात है बाबा। उठती जवानियों के चेहरे निखर गए, मसरूर आईना भी था आंखों में थी चमक, मसरूर आईना भी था आंखों में थी चमक, फूलों पे था पसीना जो नीची नजर गए। क्या बात है। फूलों पे था पसीना जो नीची नजर गए, वो रोम रोम झूमा कि जैसे बहर सजी, वो रोम रोम झूमा कि जैसे बहर सजी, थिरकन बदन में आई उमंगों में भर गए। क्या बात है सर। थिरकन बदन में आई और उमंगों में भर गए। आखिरी शेर है जी मुख्तार, महकी हर एक डाली तो गुलशन निखर गया। क्या बात है। महकी हर एक डाली तो गुलशन निखर गया, महफिल में मैं जो नाची तो नादिर बिखर गए। क्या बात है। महफिल में मैं जो नाची तो नादिर बिखर गए। क्या बात है सर। आपने तो गजल से माहौल को थोड़ा गर्म कर दिया है, तो अगली गजल का भी अब इंतजार हो रहा है हमें। अगली गजल जो है जिंदगी से वाबस्ता ये गजल है। बिल्कुल हाँ जी। तो मुस्कुरा कर जो पिलाई मैं में मस्ती आ गई। जी क्या बात है। मुस्कुरा कर जो पिलाई मैं में मस्ती आ गई, जिक्र जब आया वफा का उन पे शोखी छा गई। क्या बात है। जिक्र जब आया वफा का उन पे शोखी छा गई, अब तो उसका नाम भी शायद गजल में आएगा। अब तो उसका नाम भी शायद गजल में आएगा, वो तो अपने साये से ही आज जो शर्मा गई। क्या बात है। वो तो अपने साये से ही आज जो शर्मा गई, याद जो उनको दिलाई गुलिस्तां की वो डगर, याद जो उनको दिलाई गुलिस्तां की वो डगर, उनके चेहरे पर गुलिस्तां की ही रौनक आ गई। क्या बात है। उनके चेहरे पर गुलिस्तां की ही रौनक आ गई, फांद ना ले अब तसव्वुर शौक की दीवार को, फांद ना ले अब तसव्वुर शौक की दीवार को, दिल से पूछो आज मजबूरी भी क्यों शर्मा गई। जी जी दिल से पूछो लेकिन आज मजबूरी भी क्यों शर्मा गई। क्या बात है जी। खोल कर जी सांस ठंडी ले न पाएगा कोई, खोल कर जी सांस ठंडी ले न पाएगा कोई, सर की चादर दोष में वो आज फिर ढलका गई। क्या बात है। सर की चादर दोष में वो आज फिर ढलका गई। क्या नज़ाकत है। रूठ जाए ना ये रुत मोती वफा के ढूंढ लो। क्या बात है। रूठ ना जाए ये रुत मोती वफा के ढूंढ लो, फिर ना कहना रुत वफा की ही हमें बहला गई। क्या बात है। फिर ना कहना रुत वफा की ही हमें बहला गई। जी। चांदनी आएगी अब इन खंडरों में दो घड़ी, चांदनी आएगी अब इन खंडरों में दो घड़ी, अब थकी आशा जो उम्मीदों की सेहरन पा गई। सर फिर से मुकर्रर। चांदनी आएगी अब इन खंडरों में दो घड़ी, अब थकी आशा जो उम्मीदों की सेहरन पा गई। क्या बात है सर। आखिरी शेर है जी मुख्तार, ढूंढते फिरते थे नादिर मैं में ही मस्ती कहीं, ढूंढते फिरते थे नादिर मैं में ही मस्ती कहीं, एक नजर जो उठ गई वो ही सुकून लौट आ गई। क्या बात है। एक नजर जो उठ गई वो ही सुकून लौट आ गई। मैंने तो देखा आपका भक्ति का रंग भी देखा, देशभक्ति का रंग भी देखा, और ये जो है आप तो कहते हैं कि मोहब्बत जो है उन तस्वीरों से हुई थी और जो खूबसूरती को बयां कर रही थी, लेकिन आपके हर शेर में मोहब्बत कहीं ना कहीं चोरी छिपे दस्तक देती है ना। तो कुछ और बताइए अपने बारे में, किस वक्त लिखते हैं आप इतने अच्छे ख्याल, इतनी व्यस्तता के बावजूद भी आपका वक्त क्या रहता है जब आप इतने सुंदर भाव कागज़ पर उतारते हैं। अंदाजन 20 साल पहले से जी मेरा समय फिक्स है। अच्छा जी। मैं सवेरे 4 बजे उठता हूँ और 4 से 8 बजे तक और कुछ नहीं करता, सिर्फ लिखता हूँ सुबह 4 से 8। और मेरा कमरा अलग है बिल्कुल, जहाँ पर कोई दस्तक बिल्कुल नहीं दे सकता, नोबडी हैज एनी पावर टू टच दैट।
मेरे कमरे में कोई नहीं आ सकता, ना मुझे नॉक कर सकता है, क्योंकि घर में फैमिली में जब तक कोई इमरजेंसी ना हो कोई मुझे नॉक नहीं करेगा। मतलब ये है कि दिल की बात जब आप कलम के माध्यम से कागज़ पर उतारते हैं तो उस वक्त आपके और कलम के दरमियाँ कोई नहीं होता, नहीं होता। तो मतलब दूसरों को भी इस वक्त का मालूम है, सबको मालूम। ये बहुत खूब है, ये बहुत बड़ी बात है कि जब साहित्यकार का, जब कलमकार का मन कुछ लिखने को आतुर होता है तो उसको कई बार वो माहौल नहीं मिलता और वो विचार, वो ख्याल ऐसे फिसल सा जाता है, लौट कर फिर नहीं आता। क्या मैंने सही कहा सर? बिल्कुल सही बात है जी। एक एक सेकंड के लिए ख्याल आता है, एक सेकंड के लिए आता है, ख्याल आया पकड़ा गया, पकड़ा गया नहीं तो गया। अगर हमने लिख लिया तो ठीक है, अगर एक सेकंड भी छोड़ दिया तो फिर वो दोबारा लौट के नहीं आता जी। तो और भी गजल का मुझे तो इंतजार है कि आप और भी गजल जो है और सुनाएंगे, क्योंकि एक गजल सुनी फिर और ज्यादा अच्छी लगी, वो उससे अच्छी लगी, तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा गजल। हाँ जी, ऐसे है अभी गजलों का सिलसिला। हाँ, गजलों के सिलसिले में अभी मोहब्बत पे इतनी सारी किताबें नहीं, इतनी सारी किताबें आपने लिखी हैं, तो फिर हम फायदा तो उठाएंगे आपसे। ये गजल जो मैंने अभी आपको सुनाई 1981 की लिखी हुई है जी, 1981 की, अभी उस टाइम उम्र भी ऐसी थी, गर्मैश थी। ये है 83 की जी। तबस्सुम उनके चेहरे की तो लेगी जान क्या कहिए। आय हाय हाय, क्या बात है, बहुत नाजुक, बहुत नाजुक गजल है। उनके चेहरे की तो लेगी जान क्या कहिए, रहें पहलू में अपने है यही अरमान क्या कहिए। क्या कहिए क्या कहिए जी, आपका भी क्या कहिए, आपका भी क्या कहना। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। मुकर्रर मरे उन पर तो पाएंगे सुना रुतबा शहीदी का। उन पर मरेंगे तो क्या बात जी जी मरे उन पर जी तो पाएंगे सुना रुतबा शहीदी का, दुआ ये है शहीदों में जो हो पहचान क्या कहिए। क्या बात है, शहीद होना है किसी तरह भी होना है क्या बात है जी। मुकर्रर हाँ। मरे उन पर तो पाएंगे सुना रुतबा शहीदी का, दुआ ये है शहीदों में जो हो पहचान क्या कहिए। वो देते जाम है अंदाज है उनका तो शाहाना। आहा, शाहाना। वो देते जाम है अंदाज है उनका तो शाहाना, निगाहों में भी होती है जरा मुस्कान क्या कहिए। क्या बात है, निगाहों में भी मुस्कान होती है, निगाहों क्या में बात भी है? होती है। तो मोहब्बत की बात हो रही है, खूबसूरती की बात हो रही है और शर्मो हया की बात हो रही है, मुस्कुराने की, इतनी खूबसूरत बातें हो रही हैं, तो अगली गजल पर भी बात करते हैं। सुनाइए एक और गजल। कुछ अशआर हैं गजल के जो आपके दिल के बहुत करीब है। हाँ, वो गजल सुनाइए। नजर डाली जो उन पे उस नजर से, नजर डाली जो उन पे उस नजर से, डरे रहते थे फिर उनकी नजर से। क्या बात है, नजर डाली जो हाँ। उन पे उस नजर से, डरे रहते थे फिर उनकी नजर से, झलक पाने को उनकी हल्की सी भी, झलक पाने को उनकी हल्की सी भी, न भूलेंगे निकलना उस नगर से जी जी, न भूलेंगे निकलना उस नगर से, कभी जलवे जो उनके मिल ही जाते, कभी जलवे जो उनके मिल ही जाते, खुदा जाने वे क्यों जाते बिखर से। जी, खुदा जाने वे क्यों जाते बिखर से, टपकती देखी जुल्फों से वो बूंदें, टपकती देखी जुल्फों से वो बूंदें, वो जालिम थी न थी कम वो जहर से। क्या बात है, जुल्फों से जालिम थी न थी कम वो जहर से। क्या बात है, हाँ उसने भी नजर डाली जो हम पर, हाँ उसने भी नजर डाली जो हम पर, तो उस दिन भी गए थे हम शहर से। तो ये सारे काम कर रखे हैं आपने अब खुल रही है पढ़ते दर पढ़ते। ये 1978 22 नवंबर की लिखी हुई। देखिए ना, आपने समय को भी अंकित कर दिया। मैं लिखता हूँ उसके ऊपर डेट जी। तो लेकिन आप तो कह रहे थे कि मोहब्बत, लेकिन देखे ना पढ़ते खुल रही हैं आपकी जी जी मक्ति जी। टपकती देखी जुल्फों से वो बूंदें, वो जालिम थी न थी कम वो जहर से, हाँ उसने भी नजर डाली जो हम पे, तो उस दिन भी गए थे हम शहर से जी। खफा होना तो लाजिम था ही उस दिन। क्या बात है, खफा होना तो लाजिम था ही उस दिन, जो ना गुजरे वो अपनी रह गुजर से। क्या बात है,
आखिरी शेर है जी, जी। हाँ वो दिन याद है अब तक भी नादिर, अभी तक याद है। हाँ वो दिन याद है अब तक भी नादिर, नजर मिल ही गई थी जब नजर से। अब देखिए ना, शायर जब देशभक्ति की बात कहता है, शायर जब दिल की बात भी कहता है, धीरे धीरे आता है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि शायर को मोहब्बत ना हो, क्योंकि बिना मोहब्बत कोई जरूरी नहीं है कि भाई लड़की हो। मोहब्बत पेड़ से, पौधों से, प्रकृति से, परिवार से, खुद से भी होती है कई बार। मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन हाँ वो मोहब्बत का दौर भी आता है ज़िंदगी में, और वो पर्ते भी धीरे धीरे खुल गई हैं। वो खुद अपने मुख से भले ही ना खोले, शायद घर में डरते होंगे इंटरव्यू देख के, तो घर में शायद खाना ना मिले लेकिन शायर के भाव तो निकल गए, लेकिन होना भी चाहिए। ज़िंदगी की सारी जो ऋतुएँ होती हैं, हमें उनका आनंद लेना चाहिए। और सर ये बताइए कि ये तो बहुत खूबसूरत गजलें थी, तो आज के ताज़ा हालात पे आप क्या कहते हैं? आज के मौजू पे जो हालात हो रखे हैं जी, उस पे कुछ कहिए। एक ये गजल आज हुई जी, जी आज सुबह 4 बजे गजल हुई है जी। तबस्सुम ढूंढने निकले, तबस्सुम ढूंढने निकले, मज़ारें पाई कदरों की। क्या बात है, मज़ारें पाई कदरों की। तबस्सुम ढूंढने निकले, मज़ारें पाई कदरों की, शमा की रोशनी में मौत देखी हमने सदरों की जी। आजकल कोरोना के बाद अभी तक वो पॉजिटिविटी अभी तक सोसाइटी में आई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, काफी फर्क पड़ा है, काफी फर्क पड़ा बिल्कुल है। बिल्कुल, हमें खामोश रहने की हिदायत दे रहे हैं वो। हमें खामोश रहने की हिदायत दे रहे हैं जो, सदा सुनते नहीं हैं वो हजारों कटते शजरों की। क्या बात है, सदा सुनते नहीं हैं वो हजारों कटते शजरों की। गुलों की वो नुमाइश कर रहे थे आज महफिल में। गुलों की वो नुमाइश कर रहे थे आज महफिल में, वहीं से आ रही थी बू मगर कुछ खून के कतरों की। देखिए ना, ये होता है शायर, यानी कि जो है पौधे से फूल भी तोड़ देता है कोई, तो शायर महसूस करता है उसके दर्द को। वही नज़ाकत इस शेर में है जी। मुकर्रर कीजिएगा। दिलों के बादशाहों की जहां पर राजधानी है, दिलों के बादशाहों की जहां पर राजधानी है, वहीं से आ रही है, आ रही खुशबू कई कुचले से गजरों की। आय हाय हाय, क्या बात, वहीं से आ रही खुशबू कहीं कुचले से गजरों की जी। करो कोशिश जरा कुछ सूरत हालात तो बदलें, करो कोशिश जरा कुछ सूरत हालात तो बदलें, गली कूचों से आती है सदा अब तक भी मुजरों की। जी। गली कूचों से आती है सदा अब तक भी मुजरों की। आखिरी शेर है जी, करो कुछ बात अब सोई हुई तकदीर से नादिर। करो कुछ बात अब सोई हुई तकदीर से नादिर, यहाँ दीवार पर हर ओर तस्वीरें हैं बहरों की। क्या बात है, यहाँ दीवार पर हर ओर तस्वीरें हैं बहरों की जी। जब कभी मन में या अखबार में कोई ऐसी खबरें मिल जाती हैं जहाँ से मन उचाट होता है, फिर ये ऐसी चीज बनती है। बिल्कुल, और वैसे भी साहित्यकार का दिल तो जो है संवेदना इतनी होती है कि वो उसकी कलम हर विषय पे चलती है। बिल्कुल, और बिल्कुल। हालात के ऊपर तो उसकी कलम सबसे ज्यादा चलती है, जैसे हालात होते हैं, क्योंकि वो जो हुबहू देखता है उसको लिखता है, उस समय को लिखता है, अंकित करता है। तो ये तो रहा। और अब मुझे ये बताइए कि आप जो हैं आने वाले समय में समाज को और कौन कौन सी किताबें दे रहे हैं, कौन सी किताबें प्रकाशित होने वाली हैं, जरा उस पर दृष्टि डालिए। अभी जो लेटेस्ट है ये अभी जो है गई नहीं मार्केट में, चलो ज्योति का रथ लेकर जी, ये किताब है, ये किताब है जी जी। किताब का नाम है चलो ज्योति का रथ लेकर। ये पॉजिटिविटी है इस सारी किताब में, पूरी पॉजिटिविटी है। चलो ज्योति का रथ लेकर। हाँ, ये कोरोना के बाद के फीलिंग्स हैं, कोरोना के दौर के, इसके अंदर भी नज़में भी हैं जी। कि क्या हालात आए थे,
बट उसमें से कैसे निकलना है वो पॉजिटिविटी मन में रख के निकलना है। इसमें एंड हर एक नज़्म का पॉजिटिव है इसके अंदर। मतलब कोविड के बाद जो मनस्थिति हुई है इंसानों की और वो जो नकारात्मक हो गए हैं जिंदगी को लेकर, तो उनको प्रेरणा देती हुई ये किताब है कि एक ऐसी ज्योति का रथ आपने दिया है जिस पर बैठ कर यात्रा करें बिल्कुल और जीवन को परिवर्तित। बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी ख्याल से लिखी गई थी जी, ताकि अब पॉजिटिविटी आए, पॉजिटिविटी आए जी। इसमें से कुछ एक पंक्ति सुना दीजिए। ये सच है हौसले पलते सदा गर्दिश के साए में जी, ये सच है हौसले पलते सदा गर्दिश के साए में, जो जिंदा दिल हैं जीते हैं ये सीखे जिंदगी से हम। जो जिंदा जो दिल जिंदा दिल हैं उन्हीं से हम जिंदगी सीख सकते हैं। बिल्कुल, जो जिंदा दिल हैं जीते हैं ये सीखे जिंदगी से हम। जी जी, ये पूरी किताब की जिस्त है ये जी, जी। देखा जाए पूरी जो मतलब पॉजिटिविटी लाने की कोशिश है सोसाइटी में, अब जी बहुत नेगेटिविटी देख ली उसको निकालने के लिए। और साहित्यकार ही होता है जो समाज को दिशा और दशा दोनों को बदलता है, और आप ये काम बखूबी बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं नादिर साहब जी। अब हम जो लिटरेरी शख्स का काम ही ये है कि रास्ता दिखाए सोसाइटी को, कहीं पे नेगेटिविटी आ रही है उसको कोशिश करे उस नेगेटिविटी को किसी तरीके से खत्म हो और आगे जो है पॉजिटिव, बिकॉज जिंदगी पॉजिटिविटी के सहारे चलनी है। बिल्कुल ठीक बात, नेगेटिविटी के सहारे नहीं चलती। बिल्कुल, ये बेसिक जिम्मेवारी है लिटरेरी आदमी की। जी जी, नहीं मैंने तो यही देखा है, मैंने आपके जितनी भी गजलें पढ़ी हैं नज़में पढ़ी हैं तो मैंने तो यही देखा है कि कोई भी नेगेटिविटी आपकी किताब में नहीं है। प्यार की बात है, मोहब्बत की बात है, देशभक्ति का रंग तो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब इतना रंग है कि जो भी उस किताब को पढ़ेगा उसका हृदय जो है देश के रंग में जरूर उसको रंग। और बातें तो हमें जो हैं बहुत सारी करनी है, लेकिन अब इतनी बातें हैं हमारे पास साहित्य की, इतनी किताबें हैं, इतना कुछ हमें सुनना है, लेकिन जो है वक्त के हाथों जो है हर कोई मजबूर होता है। तो जो है ये थे नादिर साहब, अशोक नादिर जी, और दिल की कलम, दिल की बात कलम से कहने के लिए आज इन्होंने दस्तक दी है। और इस कार्यक्रम में आप आए हैं, आपका हम दस्तक आपने दी इस कार्यक्रम में, दिल की बात कलम से भी कही और दिल की बात आपने दिल से भी कही, आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ सर। बहुत मशहूर जी, मैं जी। और हम फिर से जल्द हाजिर होते हैं लेकर दस्तक दिल की बात कलम से। धन्यवाद।